नवाज न्यूज में भलीकार अमया संझा सैयद हल्दा से हेडलाइंस तरफ। तब्दीली सरकार महंगाई सटल आवाम से एक बो पेट्रोल बम किराए छो हुकूमत पेट्रोलियम शयन के अघन में गाढ़ी टोड़ बाद करे छी नाणेवारी वजारत तरफा पेट्रोलियम शयन के अघन में वाद जो नोटिफिकेशन जारी कर है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपया 3 पैसा वाद गैस रेट 6 रुपया 27 पैसा लाइट डीजल 8 रुपया 14 पैसा महंगो कीमत में वाद का पेट्रोल की कीमत पी लीटर 145 रुपया 82 पैसा थी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 142 रुपया 62 पैसा गैस रेट जो नव 116 रुपया 53 पैसा लाइट डीजल की नई कीमत 114 रुपया 7 पैसा फी लीटर मुकर्र कई वही। पेट्रोलियम शयन के अघन में वाद का वजीर आजम के खास सलाहकार शहबाज गिल जो बयान सामू अची वो। शहबाज गिल जो चवण है तो पूरी दुनिया में पेट्रोलियम शयन जहा अघ बीणा थी चुका है। हुकूमत पैर ही पेट्रोल टैक्स 31 रुपये का घटाए 5 रुपये ती आड़े चुकी है। अना भी पेट्रोल की कीमत घट रखनी है तो कर्ज वो पवो जो कें भी सूरत में मुल्की मफाद में ना है। नून लीग के सदर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ चवा है तो वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के ऐलान से गड ही महंगाई जो नव तूफान अची वो है। मौजूदा हुकूमत नालायकी नाअहली करप्शन की हर हद पार कर छी है। पेट्रोल और डीजल के अघन में वाद कर आवाम जो जीवन जंजाल बणजी वो है। IMF के हुक्म से सहकार अना पेट्रोलियम लेवी वधाए महंगाई में इजाफो करण वाली है। हुकूमत IMF सा बिजली जा अघ वधाण जो शर्त सामू रखे। पीपल्स पार्टी पेट्रोलियम शयन जा अघ बिना देर घटाने जो मुतालबो कर छो। पीपी की मरकजी इतलाक सेक्रेटरी शाजिया मरी जो चवण है तो इमरान खान जैसे पेट्रोलियम शयन के अघन में इजाफो वापस न वरतो वो तो अड़ो दमादम मस्त कलंदर थो तो हुकूमत पान के संभाले न सकती। आवाम तैयार है पीपी महंगाई खिलाफ जल्द पहले इंदर एहतजाजी प्रोग्राम जो ऐलान कंदी। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब जो पेट्रोलियम के अघन में वाद से रदे अमल। मरियम औरंगजेब जो चवण है त इमरान साहब अवां जो तकलीफ पैकेज अवाम के घड़ो महंगो पैजी रो है। इमरान खान जो हर ऐलान रुगो कूड़ फ्रॉड और धोखो हों। इमरान साहब अवां के अवाम से कूड़ गलाइने शर्म भी नो अचे। इमरान खान अवाम के को रिलीफ नो दई सके तो इस्तीफा दई घर हलो वो। सिंध जो वड़ो वजीर सैयद मुराद अली शाह परडेन के तलूर के शिकार का रोकण ता कतल थियल नौजवान नाजिम जोखियो के तले से पहुंची वो पोरन सा ताजियत कई। वड़े वजीर सा सूबाई वजीर इम्तियाज शेख सईद गनी बिया अगवाण गोट आचर सालार पहुंता। वड़े वजीर चवण है तो नाजिम जोखियो के वारसन के इंसाफ दिया। वलीर के मेमण गोठ में परडेहन के तलूर के शिकार का रोकण से नौजवान नाजिम जोखी के कतल वो केस गिरफ्तार। MPA जाम अवैस घोराम मलीर के अदालत में पेश थो। अदालत जाम अवैस घोराम के 3 दिन की जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छो। इंदर बुधनी से अखबराई रिपोर्ट तलब कर वरती। DIG ईस्ट जोन साकिब इस्माइल मेमण वाकई की अणधुरी जांच 8 रुकनी कमेटी कायम कर वरती। कमेटी में SSP मलीर इरफान बहादुर भी शामिल। वाकई की जांच कर रिपोर्ट पेश कर दी हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना विघे वधी 11 मरीज फौत 515 नवा केस रिपोर्ट। NCOC मूजिब गुजरियल 24 कलाकन दौरान कोरोना के हाकारी केसेस की शरह 1.16% रही। मुल्क में कोरोना विघे फौतन जो अंग 28,507 थी वो।
मदे की बरसात छिते कुत्ते के डारण सबब जख्मी थे नौजवान शिकारपुर अस्पताल में जख्मन का सूर न सहंदे फौत वुड मस्कीन आबाद वासी नौजवान कलीमुल्ला शिकारपुर के अस्पताल में दम दिनों। सिंध हाईकोर्ट सिंध यूनिवर्सिटी में एम फिल फीस में बाद वाली दरख्वास्त हैक चेयरमैन वाइस चांसलर रजिस्ट्रार डायरेक्टर रिसर्च एंड ग्रेजुएट स्टडीज समेत सेक्रेटरी एजुकेशन के नोटिस जारी कर दिया। केस की बुधनी 9 दिसंबर तीन मुलतवी। दादू जो सुई सालरुन गैस कंपनी जो मुलाजिम यासीन हिमोरो जो ही मोड़ वट गाड़ी मां किरी फौत वो। खैरपुर में बिन मोटरसाइकिल में टक्कर बजना सख्त जख्मी गड़ती जोगी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल। बांदी भरसा मैसर स्टावर्ट कार मोटरसाइकिल में टक्कर बजना जख्मी। आई खेपरो भरसा गुड़ तैयब बोजदार मां गोलियों लगल लाश थायो है। लाश की सुणाणी वरिंदे जमान बोजदार तौर थी।